सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां लाडवा में शिवाला राम कुंडी के अंदर लाडवा हलके के कांग्रेसी पार्टी के नेताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह ने कहा कि वो कल यानी मंगलवार सुबह कुरुक्षेत्र से अपना नामांकन पत्र लोकसभा चुनाव के लिए भरेंगे, जिसको लेकर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल झूठ की राजनीति कर पिछले 5 साल में राज किया है, अब समय आ गया है कि भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, फाइट या फिर स्पीच। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप मेरे आने पर यहाँ बैठे हैं और आपने मुझे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपने दिल में जगह दी और मुझे समझाया। आज का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग है, कोई पब्लिक मीटिंग या नहीं है, और कल के कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुति की लाई गई है। ये नॉमिनेशन है, आप सबने हम आके वहाँ आना है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन सीधा लास्ट इंप्रेशन। मेरे वाले मैं आप में से और यह क्षेत्रा की भूमि मेरी कर्म भूमि नहीं, डॉक्टर से मैं डरता था, क्योंकि शाहबाद आस पास के गाँव के साथ साथ आपकी पार्लियामेंट्री काउंसिल जी के साथ साथ जिसके गाँव हैं कभी दिल इकट्ठे भी थे क्षेत्र और पाड़ा। आज मुझे पत्रकार ने कहा कि आप भारी हो, ये बात मुझे स्वीकार नहीं थी। मैं यहाँ भारी नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, आप में से एक आपका भाई हूँ। मैं नक्कल से बना, मैं छोटा था, 27 साल का हाउस में सबसे छोटा था।